नहीं बब्बू दे अंदर तस्वीर मैं वेखी है। अच्छा हां शेर उतला तर की उते वाजा फड़या है शेर थलो तेरा। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं आगा मजीद और बब्बू राणा का जुगत मुकाबला, हंसी रोकना हुआ मुश्किल। तो हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले आगा मजीद के मोहब्बत के किस्से सुने थे, इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी फनी वीडियो थी वो कि मतलब पूरी वीडियो हमारी हंसी नहीं रुक रही थी। जैसे इसमें भी लिखा हुआ है हंसी रोकना हुआ मुश्किल, हम उस वीडियो में भी इतना ज्यादा हंसे थे। अगर आपने हमारा रिएक्शन उस पर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके उस पर भी जरूर वो रिएक्शन देखना, वो वीडियो बहुत कमाल की वीडियो थी। देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आगा मजीद जी ने तो हमें इतना हंसाया है अपनी कॉमेडी के साथ, और उनके पंचेस इतने मजेदार होते हैं। उनके साथ आप कोई भी टाइप की कन्वर्सेशन सुन लीजिए, चाहे वो अपना कोई दुख भरा किस्सा भी सुना रहे हो ना, तो उसमें भी आपकी हंसी के ठहाके रुक नहीं पाएंगे। तो आई थिंक उनके पास ना बहुत पिटारा है हंसाने का, और वो इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी ऑडियंस, उनके व्यूवर किस चीज पे खुश होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में वो क्या कुछ खास हमें सुनाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ए हुण बांदर की करणगे, को मेहनत मशक्कत करणगे, की करणगे बांदर मशक्कत करणगे की करणगे जे बांदर करणगे की हुण उठ जाओगे। बांदरों ने क्या करना यार, छोड़ो ये क्या है ओ मोटी मज कलांट बजाउंदे ने। ये पता है कहना क्या चाह रहा था, एक लिबास होता है जो पाइप बजाने वाले किल्ट, दैट इज कॉल्ड किल्ट, और स्कॉटिश वो है, तो तुर्की में क्लांट बजाने वाले तुर्की में इस जैसे किल्ट बजाते हैं। और किल्ट बजाई नहीं जाती, पहनी जाती है, वो होती है इस तरह जैसे स्कर्ट के साथ एक लंबा सा कपड़ा एक साइड से नीचे लटक रहा हो, उसका जो चेक है ना वो रूबी के कोट से मिलता जुलता है। सर उन्होंने बेचारे ने की पता, उन्होंने बुजुर्गों ने सारी जिंदगी चिट्टी वर्दी पाई। ये तो फिर पर्सनल हो गया। तोड़े बुजुर्ग हाड़ों को डरते होंगे बड़ा, ये तो खोल जाते थे साडे बुजुर्ग दौड़ पेंदे सी मेरे अबू ने, और नेशन चलते थे बैक पाइप पर, कहते सारे ने पेंटा पाईया होंदियां सी, और बेल्ट एक नहीं होंगी सी, किसी ने सेबा बनया, किसी ने नाला बनया नहीं। वैसे ताई पसमांदा बैंड वाले देखे हैं तुमने, इतने स्लिम, स्मार्ट, हैंडसम, वेल ड्रेस्ड, स्पिक स्पैन मैंने देख रखा। सर ये अब हुआ है, ये मैं तो बुजुर्गों की गल कर रहे हैं, चिट्टी वर्दी नाल कैंची चप्पल। हाँ जी कैंची चप्पल, और 15-20 दिन हो गए खान साहब ने पैर नहीं धोते। नहीं बब्बू दे अंदर तस्वीर मैं वेखी है। अच्छा हाँ शेर उतला तर की उते वाजा फड़या है शरारती और सब तो चीड़ा कमीना आदमी हुंदा वड्डा वाजा हुंदा, उन्हें उहदे च चावल सुट्टी जाने, उहदे च सालन सुट्टी जाना, छापरां च बना बना के ना वेच सुट्टी जाना अगों दी। अच्छा वापस घर जाके ते करके खाली करके ते न्याणे लोकी मिख झाड़दे ना वाजा झाड़दा घर जाके। मुझे बाकी ये चीजें समझ नहीं आई कि आज तक गौर खोज करने के बावजूद ये राज ही है कि भैंसें और कुत्ते ये बैंड वालों के पीछे क्यों भागती हैं, और दूसरा नाली में पैर क्यों आता है। कुत्ते जड़े ना जी वो इन्हें समझते चोर चोर, हाँ करेक्ट है, चुके होंगे ना बाजे को जो चुके हैं नए लोग होते हैं, और भैंस सारो जड़ा वड्डा बाजा होंगे जिसे उन्हें इतने रख के पापा पापा मार दिया। अच्छा वो डर, और कैसी गल भैंस तो आप दस संडे ही बाजे वाली जेड़ी तुसी दुकान देखा वो उनके चुवारे जो होगी। ओह शिट, इन्होंने देंदा ही नहीं चलेगा भैंस तो आप दस रही। और ये सर पक्की आइटम है कि इन्हें दी चुबारे ते दुकान, और दूर इन्हें दी दुकान दी चाल ही, उन्हें फिर खिड़की खोल के ना कोई मेहमान आ गया तो उन्हें छोटी त्रंपट लेके उन्हें इतना ही करके देखा कि दो चम्मच ये एक्यूरेट आवाज निकाली इन्होंने। वही वाह, चीनी कम, बहुत बढ़िया साहब, छा गया क्या कहने आड़ू साहब,
इंतकामी मज होंगी दुकान चो निकलते हैं लाहौर कलंदर की टीम जा रही है शुगर कर लाहौर आ गया नहीं तो चार कप चुके तेन खलियां पै जी मरे जिन्नी भी चाह बजी लेकिन वाजा आने मैं दिखी नहीं अच कप लभदा नहीं कसम खाए मौला की कसम आए ही तो सच भी चंदा होता है और आड़ू साहब और दर्जी भी मैं चाह नहीं दिता क्यों कप फटे थले वाड़ दिता है ही नहीं बिच टाकी प्यो लैनी सिगरेट झाड़ देनी बिच अच्छा ये बसों की छतों पे क्यों बैठते हैं सिर्फ वड्डे बाजे वाली की वजह तो क्यों वो बस के बिच बढ़ता ही नहीं उसकी वजह तो इन भी उत्ते बहना पड़ेगा बहुत सारे बाजे वाले जेडे ना छत पे बैठने की वजह ना बोतकियां पड़ी हुई हैं बराज सब तो बुरा बंदा लगता जो कहना तुरे चलो तुरे चलो सब तो अच्छा बंदा लगता जरा कहता रोटी खोल गए जी रोटी खोल गए क्यों कहते हैं तुरे जाते पैसे कोई नहीं देता खलोंदे ने तो फिर लड़ दे सिर पे तुरे जाते कौन देता था तुरे जाते थे तुरे जाते थे अच्छा मैं तो नहीं पता हां हमने कभी इस पॉइंट पे गौर नहीं किए क्यों कर रहे हो देखो यार देखो यार नहीं मेरा साथ दे इस तरह का आपका उर्दू ना बोलने दी कुत्ते वाली जेड़ा तुरे जाते होता ना जी ओदे च वाजे वाले सिर्फ गालां पैंदियां तुरे जाते पैर ते पैर रख दे तेरी छैने भी जांदा इन्हां नाल हेलो छैने दी मुठ जिहड़ी इस कदर मैली हुंदी और थैले वाला इन्हां नूं 2 मिनट नजर ना पावे इन्हां नूं वशी पै जांदी है अपने पल्यों सर 100 रुपए की रोटी नहीं खाते फिर के 250 का मरूंडा खा जाते जो साथी होंगे ना नाल सर बजाने वाले उन्होंने पल्ले रुपया नहीं पाते क्यों जिसले बखरा होंगे ना जी ए न्याज के पैसे इसे ए वड़े खान साहब के नाँ के पैसे उन्होंने बरसी के पैसे और उन्होंने बेचारे उ 35-40 हाँ बड़ी अच्छी जंज वज गई 100 और ज्यादातर जो चुबारे होंगे ना जी लोहे की सीढ़ी होंगी बारो और खान साहब सर्दियों च कदी हाथ लाएगा इंज चढ़ेगा और सीढ़ियां इंज उतर दी दुबई जा रहे हमारे दादा अबू ये तस्वीर गर्मा बाजी मरना नहीं चोरी चुक रहा सी और निडालर के बंदे इंग्लिश फिल्मां च होंदे ने गड्डी लंघ दी ना उत्ते चिक्कड़ पैंदा कहदा व्हाट इज व्हाट इज आप किस बैंक में स्पाई कर रहे हैं अपना अकाउंट है 3 बैंकों में बड़ी अच्छी बात है मिर्जा साहब लेकिन इस बात को गुस्से में क्यों कहते हैं नहीं सर ये मानते नहीं है इनको छोड़ो मैं तो मान रहा हूँ पर जिस बैंक जे पैसे है ना वो एटीएम अगे खलोता रहा कोई कार्ड मारदा उन्हें कहता वो मेरे ना कढ़ा ले ही पाई बाबा अंगूठे लगाते हैं साइन करते हैं मेरे साइन होते हैं सिग्नेचर एक बार 10,000 इकट्ठा जमा कराने के उन्होंने फाड़ लिया कितों ले आई पर मैं पूछना सी कि मास के उत्ते बढ़िया फिल्में बनियां ने ठीक है फी साहब आप फिल्म एक्सपर्ट आस्क ऑफ ज़ोरो द मास सलीम नहीं है यार सलीम ही निकल इनको मुशद्दद क्यों कर दे जैकी चैन पॉपकॉर्न खांदे खांदे ना एक एदे हल भी छोड़ देता है फिर एक और फिल्म थी जो आप मिस कर गए हैं मास्क से मुतल्लिक कौन सी सर द मैन विद द आयरन आयरन मास्क जर्मी आयरन्स और लियोनार्डो डिकैप्रियो ओह बचपन में आप कार्टून्स तो देखते टाइटैनिक वाला हीरो है
ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੀ ਹਰ ਨਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮਾਨ ਆਪ ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਖਪੂ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਸੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਈਟਨਿੰਗ ਸਾਂਪ ਹੈ ਉਸਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਅਪਰੂ ਸਰ ਅਪਰੂ अरे काला नाग नहीं होता डरावना काला नाग इतना डरावना नहीं होता जितना खपरा होता खपरा तो बड़ा खौफनाक बेमुर्शिदा होता बेमुर्शिदा इसके करीब आप जाते हैं तो ये इस तरह पीछे रिंगता रिंगता जलेबी की शक्ल में जा रहा होता है कि आपसे डर गया और इसने आप पे अटैक किस तरह करना तो गोली मिसाइल लगता है सच में और माथे पे काटता है हेलमेट पहन लो हेलमेट पहन के कोबरा के साथ पंगा कर लो वो क्यों जी क्योंकि वो थूक फेंकता है बड़ी खौफनाक स्पिट होती है अगर आपके जिस्म पर पड़ जाए ना तो आपको बहुत जलन होती है फौरन धोना पड़ जाता है और अगर आंखों में पड़ जाए फिर लग पता जाता है मिर्जे दा बाद जेड़े भी सपना पे है ना वो इधर तो स्पिट कर दे स्पिट कर दे तो फिट कर दे फिट कर दे मैंने बड़े सांप पकड़े हैं सांपों से नहीं डरता सांप इनसे डरते हैं क्या बात है यार इतनी ज्यादा फनी वीडियो मतलब जो वीडियो स्टार्ट हुई थी मैं आपको बता रही थी कि हम लोगों ने आगम मजीद जी के जो मोहब्बत के किस्से सुने थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे पर मैंने आज की वीडियो देखी मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इतने ज्यादा फनी पंचेस थे इसके अंदर और इसमें ज्यादा कैरेक्टर्स भी थे और वो सब मिलकर एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे सबसे अच्छा आगम अजीत जी को जब वो मच बोल रहे थे भैंस कह रहे थे कहते भैंस खुद बता रही है कि उसको क्या दिक्कत होती है तो वो तो बहुत ही फनी चीज थी वाकई में आज की वीडियो मुझे कुछ स्पेशल ज्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा फनी लगी और इतने अच्छे पंचेस थे और आई थिंक आज की वीडियो नॉलेजेबल भी बहुत थी मुझे नहीं मालूम था ये बैंड बाजे वाले जो है वो बस के ऊपर ही क्यों बैठते मैं भी कभी सोचती थी यार इनको लग रहा है या तो ये बस वाले इनसे किराया नहीं लेते इस वजह से इन्हें फ्री जाने के लिए ये कह देते कि भाई बस के ऊपर बैठ जाओ लेकिन इतने अच्छे किस्से इन्होंने सुनाए इतना हंसाया और इतनी नॉलेज वाली आज की बातें थी ना तो आई थिंक आज की वीडियो में ना हमें दोनों चीजें मिली नॉलेज भी और ह्यूमर भी तो हमारी तरफ से आज की वीडियो थी बाकमाल तो ठीक है गाइस इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए ओके बाय।